हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आश्रम क्लासेज आर्यावर्त में। आज हम राजस्थान के लोक देवताओं और लोक देवियों के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे। ये हर एक एग्ज़ाम जैसे कि रीट हैं, SI हैं, PTT हैं, BSTC हैं, पुलिस हैं, व्याख्याता भर्ती हैं, हर एक एग्ज़ाम में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और आने वाले एग्ज़ाम में भी पूछे जा सकते हैं। तो चलिए आज हम मुख्यतः लोक देवताओं लोक देवियों के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करें। पहला प्रश्न है, क्षेत्रफल राजस्थान की संस्कृति में एक महत्वपूर्ण पहलू रहा है, तो ग्राम देवता के रूप में क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल स्थान विशेष देवता को कहते हैं। यह मुख्यतः ग्राम देवता होते हैं। भैरव पूरे राजस्थान में पूजे जाने वाले क्षेत्रपाल देवता हैं। क्षेत्रपाल के सर्वाधिक जो मंदिर हैं राजस्थान के डूंगरपुर ज़िले में हैं, जो कि क्षेत्रपाल देवता हैं, एक क्षेत्र विशेष में पूजे जाने वाले देवता होते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि सांबर झील में से किस देवी का मंदिर है? सांबर झील में किस देवी का मंदिर है? ये शाकंभरी देवी का मंदिर है। ये RS-PURI 2015 में पूछा जाने वाला महत्वपूर्ण प्रश्न है। यानी जो देखो ये RS प्रश्न, यानी RS में भी प्रश्न पूछे गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन से हमारा, गोगा जी का मेला किस माह में बढ़ता है, किस महीने में बढ़ता है? ये भाद्रपद महीने में बढ़ता है। चौथा क्वेश्चन हमारे सामने है, स्वांग्या माता किस क्षेत्र के शासकों की कुल देवी है? ये जैसलमेर के जो भाटी शासक हैं उनकी जो कि कुल देवी मानी जाती है। कुल देवी उसे कहते हैं जो अपने कुल में ही जन्मी हैं। जैसे कि हमारे जो पूर्वज हैं जो श्रेष्ठ मानवीय गुणों से हुए हैं उसे हम कुल देवता के रूप में पूजते हैं। करौली रियासत की कुल देवी कौन है? तो केला देवी, क से क आप याद रख सकते हैं। छठा क्वेश्चन हमारा ये है कि राजस्थान के लोक देवता हड़बू जी का जन्म कहाँ हुआ था? चाहे हड़बू को या हड़बू जी को, इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो ये नागौर में इनका जन्म हुआ था। सातवां क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि स्थान जहाँ गोगा जी का जन्म हुआ था, यानी गोगा जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो ददरेवा। ददरेवा कहाँ पर है? सुरू में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आठवां क्वेश्चन, लटियाल देवी का मंदिर कहाँ पर स्थित हैं? तो ये फलोदी कहाँ पर है? जोधपुर में है। तेजाजी के जन्म स्थल का नाम क्या है, यानी तेजाजी का जन्म कहाँ हुआ था? तो खड़नाल भी कह सकते हैं। और ये कहाँ पर है? नागौर में है। दसवां क्वेश्चन से है कि लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र तीर्थ स्थल बांसी दुगारी कहाँ पर स्थित हैं? तो ये बूंदी में स्थित हैं। ग्यारह क्वेश्चन से है कि दूर मेढ़ी स्थान किस लोक देवता से संबंधित हैं, यानी दूर मेढ़ी, देखो जहाँ पे आपको मेढ़ी पीछे दिखाई दें तो आप सीधा सेलेक्ट कर देना गोगा जी। यानी बहुत सारे क्वेश्चंस मेढ़ी से, यानी गोगा जी की होती मेढ़ी। बारहवा क्वेश्चन हमारा सामने आता है, राजस्थान के प्रसिद्ध संत एक संप्रदाय के प्रवक्ता जिनकी समाधि फुलेरा के निकट नारायणा में है, यानी दादू जो कि कहाँ के थे? झालावाड़ के थे। उनकी एक संप्रदाय है, इनके बारे में देखो और भी जानते रहते। दादू के सत्संग स्थल अलख दरीबा कहलाता है। इनका जो सत्संग स्थल है उससे क्या कहते हैं? अलख दरीबा कहते हैं। संत दादू द्वारा पर ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना सांबर में की गई थी। तो ये भी क्वेश्चंस महत्वपूर्ण हैं। अब हम 13वें क्वेश्चंस पर आ गए हैं, सांपों के देवता के रूप में कौन पूजे जाते हैं? तो तेजाजी। देखो सांपों के देवता के रूप में और भी लोग देवता पूजे जाते हैं, तो सांपों के देवता के रूप में तेजाजी पूछ जाते हैं। ये देखो थर्ड ग्रेड टीचर में यानी परीक्षा में पूछा गया था। तेजाजी हैं वो काला व बाला का देवता, कृषि कार्यों का उपकारक देवता कहा जाता है। तेजाजी को तलवारधारी अश्वरोही युद्ध के रूप में चित्रित किया गया है। यानी इनके आप मूर्ति देखेंगे तो ये अश्व के ऊपर एक इनके जीप के यानी पास एक सांप डसने की ऐसे स्थिति में खड़े हैं। चौदहवा क्वेश्चन से, खेजड़ी के वृक्ष एवं वन्य जीवों के महत्व को समझने वाले संत हैं संत जाम्बू जी। आप जानते हैं कि संत जाम्बू जी यानी ये बिश्नोई संप्रदाय से संबंधित हैं, और जानते हैं बिश्नोई संप्रदाय जो कि पेड़ों और जीवों के प्रति बहुत ही सतर्क और एक जागरूक जो कि एक जाति हैं। राजस्थान का ग्रामीण बिश्नोई संप्रदाय किस लोक देवता का अनुयायी है? तो ये है जाम्बू जी का, यानी ग्राम यानी बिश्नोई आप जानते हैं बिश्नोई जो कि 20 और 9 यानी 29 नियम से संबंधित हैं।
16वां क्वेश्चन हमारा आता है, संत ये पिता नहीं या पीपा है, गलत लिखा गया है, यानी पीपा, संत पीपा के गुरु का कौन क्या नाम था? तो संत पीपा के गुरु का नाम रामानंद था। अन्नपूर्णा देवी किस राज परिवार की आराध्य देवी हैं? तो ये कछवाहा, कछवाहा कहाँ पर हैं? जयपुर में। सुओं की देवी के रूप में प्रसिद्ध हैं करणी माता, जो कि बीकानेर, जो कि चूहों की देवी के रूप में भी प्रसिद्ध हैं। फिर क्या क्या है? करणी माता के मंदिर में पाए जाने वाले जो सफ़ेद सुए हैं इन्हें काबा भी कहते हैं, हैं इनके जो सुए हैं सफ़ेद सुए इनके जो मंदिर में हैं इन्हें काबा कहते हैं। किस लोक देवता की प्रमुख पीठ कतरियासर बीकानेर में है? तो ये जसनाथ जी इनकी जो पीठ है ये जो कि बीकानेर में है। 20वां क्वेश्चन हमारे सामने आता है, किस संत के चमत्कारों से प्रभावित होकर सुल्तान सिकंदर लोदी ने उन्हें जागीर प्रदान की थी? तो जसनाथ जी। देखो ये प्रश्न पटवारी के अंदर पूछा गया था 2011 के अंतर्गत। 33 करोड़ देवी देवताओं की गद्दी कहाँ पर स्थित है? तो ये भी मंडोर जोधपुर में है, ये भी पटवारी के अंदर प्रश्न पूछा गया है। किस देवी को कभी मांस का भोग नहीं लगाया जाता है? तो ये केला देवी जो कि करौली के अंतर्गत है, यानी पटवारी के अंदर प्रश्न पूछा गया है। वह लोक देवता जिसे भोगा जी की भांति नागों का देवता के रूप में प्रसिद्ध हैं? तो तेजा जी। मैंने आपने कहा था कि आगे भी यानी जो सांपों के रूप में कई देवता पूजे जाते हैं, यानी वीर तेजा जी के बारे में कुछ और भी जानते हैं। जैसे कि वीर तेजा जी का जन्म है ये 1130 को नागौर जिले में खड़नाल गांव में ताड़ जी के जाट के घर में हुआ था। लांसा गुजरी की गायों को बसाने के दौरान एक सांप के डसने से इनकी मृत्यु हो गई थी। सर्पदंश से ग्रस्त व्यक्ति का इनके थान पर इलाज होता है। अजमेर ज़िले में इनकी मान्यता अधिक है, अजमेर ज़िले में इनकी मान्यता क्या है? अधिक है। यानी 2400 प्रश्न, सुंगाली माता किस कुल की देवी हैं? तो ये आउवा के ठाकुर परिवार की कुल देवी हैं। आउवा के ठाकुर गोपाल सिंह खरवा ने 1857 की विप्लव में महती भूमिका अदा की थी। इसके साथ साथ उनके सैनिकों ने भी इस युद्ध में भाग लिया था। ये सभी लोग सुंगाली माता की जय बोलते थे, अतः अंग्रेजों ने इस मूर्ति को वहाँ से हटा दिया था। 25वां क्वेश्चन से, भारतीय डाक विभाग ने किस लोक देवता की फड़ पर डाक टिकट जारी किया था? ये देवनारायण जी की फड़ पर, और ध्यान रखना ये सबसे लंबी फड़ भी इनकी मानी जाती है, और ये पुलिस परीक्षा 2013 में प्रश्न पूछा गया है। अब हमारे सामने आता है 2600 प्रश्न, 2600 प्रश्न है कि लोक देवता भरत हरि जी संन्यास लेने से पूर्व किस राज्य के शासक थे? ये उज्जैन के शासक थे। वन रक्षक 2013 में प्रश्न आया हुआ है। लोक देवता भरतहरि का मेला कब लगता है? तो भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को इसका मेला लगता है। सुओं वाली देवी के नाम से विख्यात लोक देवी हैं करणी माता, जो कि कहाँ पर है? बीकानेर। करणी माता सारणों की लोक देवी थी जिसे बीकानेर के राजाओं ने अपनी कुल देवी बनाया। बीकानेर से लगभग 35 किलोमीटर दूर दक्षिण में स्थित देशनोक कस्बे में करणी माता का विख्यात मंदिर स्थित है। इस मंदिर में हजारों सुए विचरण करते हैं जिन्हें काबा कहा जाता है। मीराबाई ने अपना अंतिम समय किस स्थान पर बिताया था? तो द्वारिका। द्वारिका कहाँ पर है? गुजरात। एग्रीकल्चर ऑफिसर 2013 प्रश्न पूछा गया है। देखो हर एक प्रश्न है ये महत्वपूर्ण है, हर एक एग्जाम में पूछे गए प्रश्न महत्वपूर्ण है, इसलिए इत्मीनान से वीडियो देखिए। प्रमुख लोक देवता जिसने जीवित समाधि ली थी, प्रमुख लोक देवता जिसने जीवित समाधि थी तो ये ली थी रामदेव जी ने ली थी। और इनके साथ ध्यान रखना एक डाली बाई जो कि नीमन जाति की कन्या ने भी इनके साथ समाधि ली थी, इनके साथ यानी एक दिन पहले ली गई समाधि थी। आवरी माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो निकुंभ में है। खंडित प्रतिमा के रूप में किस देवी की पूजा की जाती है? तो शीतला देवी की पूजा की थी। शीतला माता का मंदिर साक्सू जयपुर में स्थित है, जहाँ प्रतिवर्ष चैत्र कृष्ण अष्टमी को मेला बढ़ता है। ये साक्सू ध्यान रखना जयबाण तोप का जो सिलाई थी उस समय जो इनका गोला फेंका गया था ये साक्सू में गिरा गया था, और वहाँ पर एक तालाब भी बना हुआ था। हमेशा किसी भी प्रश्न को आप जोड़ के पढ़िए, यानी जोड़ जोड़ के पढ़ेंगे तो एक साथ याद हो जाते हैं और पढ़ने में भी आसानी हो जाती है, यानी जोड़ जोड़ के बहुत यानी अच्छा लगता है जोड़ कर। थार की वैष्णो देवी किसे कहा जाता है? तो तनोट माता। तनोट माता आप जानते हैं कि तनोट माता क्या है? सैनिकों की देवी हैं। ध्यान रखना इस सैनिक इन्हें बहुत अधिक यानी फौजी लोग होते हैं इन्हें अधिक पूजते हैं। राजस्थान का हरिद्वार कौन सा तीर्थ है? राजस्थान का हरिद्वार कौन सा तीर्थ है? यानी मार्थ कुंडिया कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़।
चित्रकूट से 60 किलोमीटर दूर मार्थगुंडिया नामक स्थान पर स्थित है। इसे राजस्थान का हरिद्वार भी कहते हैं। बनास नदी के तट पर स्थित यह तीर्थ सर्दियों से मनुष्यों की आस्था का केंद्र रहा है। सदियों से आस्था का केंद्र रहा होगा। इस क्षेत्र में अनेक प्राचीन मंदिर स्थित हैं, जिसमें से कुछ गुप्तकालीन, कुछ प्रतिहारकालीन और कुछ इसके बाद के हैं। 3500 क्वेश्चन हैं। गोगा जी का मेला कहाँ आयोजित होता है? तो हनुमानगढ़ जिले के नोहर तहसील में यानी आयोजित होता है। ये स्टेनोग्राफर 2012 में केंद्र प्रश्न पूछा गया है। अब है 3600 क्वेश्चन हैं कि गलता तीर्थ पर स्थित मंदिर किस देवता को समर्पित हैं? ये स्टेनोग्राफर 2012 के अंदर प्रश्न पूछा गया है। ये सूर्यदेव को यानी समर्पित हैं। लोक देवता जम्बू जी का जन्म स्थल कहाँ पर है? पीपासर। राजस्थान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोक देवता माने जाते हैं, जिसकी अधिक मान्यता है, वो हैं तेजाजी। कहाँ के? नागौर के। प्राण जाए पर वसंत न जाए, ये तेजाजी का क्या था? वसंत था। जोधपुर के राठौड़ की कुलदेवी जिसे 18 भुजाएं हैं, ये नागिनेशी माता। इनका मंदिर कहाँ पर है? जोधपुर के अंदर कहते हैं। 40वां क्वेश्चन हैं, भूरिया बाबा आराध्य देवता हैं, ये हैं गोडवाड़ के मीणाओं के जो कि आराध्य देव हैं। भूरिया बाबा जिसे गौतमेश्वर दक्षिणी राजस्थान के गोडवाड़ के क्षेत्र की मीणा जाति के आराध्य लोक देवता हैं। इनका स्थान गौतमेश्वर महादेव सिरोही जिले में स्थित है। इनका स्थान है ना वो सिरोही में है। 41वां क्वेश्चन हैं, सन्यासियों के सुल्तान के उपनाम से प्रसिद्ध उपनाम से किसे जाना जाता है? सन्यासियों के सुल्तान के उपनाम से किसे जाना जाता है? तो है हमीदुद्दीन नागौरी को। यानी सेकंड ग्रेड के अंतर्गत प्रश्न पूछा गया है। सुंदर माता का मंदिर स्थित है, ये जालौर के अंदर स्थित है, एक पहाड़ी के ऊपरी भाग पर। लोक देवी जीण माता मंदिर स्थित कहाँ पर है? सीकर में है। लोक देवता जीजाजी को कहाँ के मेले में याद किया जाता है? तो पर्वतसर जो कि नागौर में स्थित है। 45वां क्वेश्चन से है कि जीण माता कौन सी राजपूत वंश की कुलदेवी हैं? जीण माता हैं, ये सुहान राजवंश की कुलदेवी हैं। जीण माता का मंदिर सीकर जिले के रेवासा ग्राम के हरस पर्वत पर स्थित है। मंदिर में देवी की अष्टभुजा प्रतिमा स्थापित हैं, जो एक बार में 2.5 प्याले शराब का पान करती है। 46वां क्वेश्चन से है कि जैसलमेर के भाटी राजपूत किस देवी की पूजा करते हैं? तो ये आवड़ माता की पूजा करते हैं। वह क्या है कि सीढ़िया को आवड़ माता का स्वरूप माना जाता है। गोगामेड़ी स्थित है हनुमानगढ़ जिले के अंतर्गत। गोगामेड़ी कहाँ पर स्थित है? हनुमानगढ़ जिले के अंतर्गत। गोगामेड़ी नोहर तहसील जिला हनुमानगढ़ को धूलमेड़ी भी के नाम से भी जाना जाता है। गोगामेड़ी को वर्तमान स्वरूप बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने प्रदान किया। इनका जो वर्तमान स्वरूप है ये गंगा सिंह ने प्रदान किया है। गोगामेड़ी की बनावट मकबरे नुमा है। इसके दरवाजे पर बिस्मिल्लाह अंकित है। 48वां क्वेश्चन से गायों की रक्षा में अपने प्राणों उत्सर्ग करने वालों में कौन प्रसिद्ध है? यानी गायों की रक्षा में जो गायों के लिए लड़ते हुए मारे गए उनमें कौन से लोग देता प्रसिद्ध है? तो गोगा जी जो कि गायों की रक्षा करते हुए मारे गए थे, तेजा जी और एक बाबू जी। शाहपुरा भीलवाड़ा में जिस संप्रदाय की पीठ स्थित हैं, ये राम सनेही संप्रदाय की पीठ स्थित हैं। 50वां क्वेश्चन से है कि गोगा जी की स्मृति में भाद्र कृष्ण नवमी को किस स्थान पर गोगा जी का मेला बताएं? ये हैं गोगामेड़ी जो कि नोहर। वह कौन से लोक देवता हैं जिसकी आराधना इसलिए की जाती है क्योंकि गायों की को सुड़ाने हेतु अपने जीवन की आहुति दी थी? तो तेजा जी ने। ये आरएस में प्रश्न पूछा गया है और देखो पीटीआई यानी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। राजस्थान के सांप्रदायिक सद्भाव का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? ये बाबा रामदेव का रूणीसा, जहाँ पर सभी संप्रदाय के लोग यानी चाहे हिंदू हो या मुस्लिम, सभी संप्रदाय समान भाव से यहाँ आदर्श आते हैं। मेवाड़ के मगरा क्षेत्र के भील की के काला जी हैं, केसरिया नाथ जी, ऋषभ देव जी और आदिनाथ जी। यानी मेवाड़ के मगरा क्षेत्र के भीलों के काला जी हैं, ये केसरिया नाथ जी और ऋषभ देव जी और आदिनाथ जी इसके हैं। ये RPSC यानी टीचर के अंतर्गत प्रश्न पूछा गया है। गोगामेड़ी स्थान का संबंध किस लोक देवता से है? तो गोगा जी से है। राजस्थान का वह लोक देवता जिसे मोहम्मद गजनी से युद्ध किया था, ये गोगा जी। यानी ये पुलिस परीक्षा के 2005 के अंतर्गत प्रश्न पूछा गया है। लोक देवता गोगा जी का स्थान सामान्यतः किस पेड़ के नीचे होता है? तो ये खेजड़ी।
इनके थान को खेजड़ी के वृक्ष के नीचे गांव के समीप पर सीमा पर होता है, जहां मूर्ति स्वरूप एक पत्थर की आकृति पर सर्प की आकृति अंकित होती है। रामसा पीर के नाम से प्रसिद्ध संत का सही नाम क्या है? तो इनका नाम है बाबा रामदेव। रामसा पीर व रूणीसा रा धनी के रूप के नाम से जाना जाता है इन्हें, रामदेव जी को। आशापुरा माता किस वंश की कुलदेवी है? ये सुहान वंश की कुलदेवी है। तेजा जी ने लांचा गुजरी की गायों छुड़ाने के लिए अपने जीवन की आहुति दी थी, यानी किस से छुड़ाने के लिए आहुति दी थी, यानी कौन लेके गया था गायों को? तो ये मेयर के मीणा ले गए थे। होगा मेडी जिसे शीर्ष मेडी भी कहते हैं, कहाँ पर स्थित हैं? ये तदरेबा जो कि शुरू में है। तदरेबा जन्मस्थली जिसे शीर्ष मेडी के नाम से भी जाना जाता है, यहाँ प्रतिवर्ष भाद्र कृष्ण अष्टमी नवमी से शुक्ल नवमी तक मेला पड़ता है। जहाँ भाद्रव यानी प्रतिवर्ष भाद्र पक्ष कृष्ण नवमी से शुक्ल नवमी तक यहाँ मेला पड़ता है। बाबूजी को अवतार माना जाता है, यानी बाबूजी किसके अवतार माने जाते हैं? तो कहा जाता है कि बाबूजी है ना, ये लक्ष्मण के अवतार माने जाते हैं। बाबूजी को गोरक्षक देवता, पलेग रक्षक देवता, ऊँटों के देवता व लक्ष्मण के अवतार के उपनाम से भी जाना जाता है। आंसिया मोर जी ने बाबूजी के जीवन पर आधारित बाबू प्रकाश ग्रंथ की रचना की है। तो ये क्वेश्चन और बनता है कि जैसे कि आसिया मोर जी ने बाबू प्रकाश ग्रंथ लिखा है। बाबूजी को ऊँटों का देवता कहा जाता है? भाला के लिए अश्वारोही और बाबूजी का प्रतीक चिन्ह है। बाबू प्रकाश आसिया मोर जी द्वारा लिखित रचना में बाबूजी के जीवन दर्शन का वर्णन मिलता है। जैसलमेर के भाटी शासकों की कुलदेवी हैं स्वांगिया माता, जो कि जैसलमेर में है। राजस्थान के ऊँटों के देवता के रूप में किसकी पूजा की जाती है? तो बाबू जी की। ये पुलिस 2003 में प्रश्न पूछा गया है। सैनिकों की देवी के रूप प्रसिद्ध हैं ये तनोट माता, ये भी जैसलमेर से संबंधित हैं। पलेग रक्षक देवता के रूप में प्रसिद्ध हैं ये बाबू जी, जो कि पुलिस परीक्षा 1995 में प्रश्न पूछा गया है। अब है 66वां प्रश्न, यानी एकमात्र लोक देवता जो कवि भी हैं, रामदेव जी जो एक कवि भी थे, ये भी एसटीसी प्रवेश परीक्षा 1995 में प्रश्न पूछा गया है। वीर तेजाजी की घोड़ी का नाम क्या था? तो लीलन था। किस लोक देवता के मंदिर की बनावट मकबरे नुमा है? तो ये गोगा जी की, यानी बीएसटीसी प्रवेश परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है गोगा जी की। लोक देवता तेजाजी का जन्म स्थान है ये खड़दार नागौर, बता चुका हूँ पहले भी। लोक देवता बाबू जी के जीवन दर्शन पर लिखित किताब के लेखक हैं आसिया मोड़ जी, बाबू प्रकाश जो कि ग्रंथ लिखा था। बाबा रामदेव जी की माता का नाम क्या था? क्या नाम था? मैणा दे, मैणा दे इनकी माता का नाम था, ये भी बीएसटीसी में प्रश्न पूछा गया। आवरी माता का मंदिर है निकुंभ में। स्वांगिया माता किस क्षेत्र के शासक की कुलदेवी हैं? जैसलमेर की भाटियों की कुलदेवी हैं। ससिया माता कुलदेवी हैं, ओस वालों की कुलदेवी हैं। कंठेश्वरी माता किसकी कुल लोक देवी हैं? ये भी आदिवासियों की लोक देवी हैं। कौन सी लोक देवी नागौर प्रगने के खड़नाल गांव के रहने वाले हैं? तेजाजी, जानना कौन सी लोक देवता नागौर प्रगने के खड़नाल गांव के रहने वाले हैं? तेजाजी, जो कि जाट परिवार से संबंधित थे। राजस्थान का वह लोक देवता जिसका संबंध गागरौन से है, तो संत पीपा, जिनका संबंध किससे है? तो गागरौन से। लोक देवता रामदेव जी का वाहन कौन सा है? ये है घोड़ा। ये जेल प्रहरी परीक्षा 2012 के अंदर प्रश्न पूछा गया है। जो मैंने ये प्रश्न बताए ये सब इम्पोर्टेंट प्रश्न है, हर एक एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं। तो चलिए